महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ओबीसी का स्थानिक स्वराज्य संस्था में पूरा का पूरा आरक्षण ये रद्द हो गया है। एक भी जगह ओबीसी के लिए बाकी नहीं है और इसलिए हमने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट बताई है उसको पूरा करके ओबीसी का आरक्षण वापस करना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का इम्पिरिकल इंक्वायरी करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो अगले 2-3 महीने में हो सकती है। जो हमारा स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उस कमीशन की ये जिम्मेदारी है, उसको रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए और ये अगर किया जाता है तो कोर्ट ने आरक्षण का जो सेक्शन है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, उसको रीड डाउन किया है। ये ट्रिपल टेस्ट पूरे किए बराबर हमारे ओबीसी समाज को पॉलिटिकल आरक्षण महाराष्ट्र में वापस मिल सकता है और इसलिए हमने मांग की है ये तुरंत किया जाए। दूसरी मांग हमने की है कि जब तक ये नहीं होता तब तक स्थानीय निकाय के चुनाव ये रोक दिए जाए। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लाइन टू लाइन पढ़ के, केंद्र का डेटा ये सेंसस डेटा है, हमको इम्पेरिकल इंक्वायरी बताई है और वो भी पॉलिटिकल बैकवर्डनेस के पैटर्न में। केंद्र के डेटा में पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का पैटर्न नहीं मिलता, इसलिए ये इंक्वायरी करनी चाहिए। और साथ में मैंने जो कर्नाटक की केस है जिसमें केवल 2 महीने में उन्होंने पूरा स्टडी करके कमीशन का रिपोर्ट सादर किया और उस रिपोर्ट को मंजूर भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस रिपोर्ट के डिटेल में नहीं जाएगा, हम इसको मानते हैं, तो ये महाराष्ट्र भी कर सकता है, ये हमने उनको समझाया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।